नमस्कार मित्रों, आज मैं भारतीय राजनीति के महान दार्शनिक, संस्कृत साहित्य के प्रकांड विद्वान, कूटनीतिज्ञ, महान संत आचार्य चाणक्य के अनमोल विचारों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। इन्होंने मगध के अत्याचारी राजा नंदवंश के नौवें शासक महानंद के शासन को मिटाकर एक गरीब बालक महानंद के दासी का पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का सम्राट बनाया था। इनका जन्म 325 ईसा पूर्व माना जाता है। मगध सम्राट चंद्रगुप्त की सारी राज्य व्यवस्था का आधार वास्तव में चाणक्य ही थे। यदि इनके कुछ विचारों को भी अपने जीवन में अपना लिया जाए तो कोई भी मनुष्य सफलता के उच्च शिखर पर पहुंच सकता है। तो आइए सीधे वीडियो में आगे चलते हैं, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले आइकन को भी दबा दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। सौ धन्यवाद। मुझे वह दौलत नहीं चाहिए जिसके लिए कठोर यातना सहनी पड़े, सदाचार का त्याग करना पड़े, अथवा अपने शत्रु, दुष्ट व्यक्ति या किसी और की चापलूसी करना पड़े। रिश्ता, दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखना चाहिए जो तुम्हारी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की वजह को समझ सके। जो व्यक्ति परिवार, रिश्तेदारों, सच्चा मित्र को छोड़कर पराए लोगों को महत्व देता है, वह खुद ही एक दिन नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार किसी राजा का राज अधर्म से नष्ट हो जाता है। जो तुम्हारा मूल्य न समझे उसके सामने जबरन प्रेम प्रदर्शन न करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे प्रेम के साथ साथ तुम्हारी भावना को भी कुचल देगा। कोई आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालीख पर नहीं।